Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new lecture of Java. This one is the lecture number 7. I am Maijd Shahab and my channel name is VZ Learning. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जावा में जो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं एक्चुअली में यहाँ पे एक्चुअली आपने जावा की कोडिंग करनी है. जो यूज़र कोड होता है उसको हम लोगों ने लिखना है. तो अगर आपको डायग्राम याद हो, हम लोगों ने जो स्टार्ट में डेवलप की थी दिस वन, ये है वो यूज़र एरिया जिसमें हम लोगों ने सारा कोड लिखना होता है और फिर हमने उसको आगे प्रोसीड करना है. सो यहाँ पे वो एरिया जिधर आप लोगों ने कोड लिखना है. तो कोई भी लैंग्वेज जब आप लोग कंप्यूटर की सीख रहे होते हैं लाइक PHP लैंग्वेज और मे बी जावा और मे बी ASP.NET या जो भी लैंग्वेज है, तो उसमें एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग पहले बताते हैं स्टूडेंट्स को और वो होता है कि हाउ टू प्रिंट अ सिंपल लाइन ऑफ कोड, सॉरी हाउ टू प्रिंट सिंपल लाइन. एक सिंपल लाइन आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग दैट लैंग्वेज. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने C++ में लिखा होगा सी आउट और फिर आपने पुट किया होगा ये ऑपरेटर और आपने लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये आपने लिखा होगा C++ में. तो ये बेसिकली सी आउट जो है ये यूज़ होता था C++ में कुछ राइट करने के लिए, लिखने के लिए. लिखना क्या था यहाँ पे, हमने लिखना था हेलो वर्ल्ड. जावा में भी हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखना चाहेंगे लेकिन जावा में लिखने के लिए सी आउट नहीं है बल्कि कुछ और है. सो हम लोग इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे लिखना है. सबसे पहली चीज़ आपने लिखना क्या है, आपने क्या प्रिंट करवाना है. सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये मैंने प्रिंट करवाना है. नाउ अगर आप नोटिस करें यहाँ पे एक करेक्टर नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा करेक्टर्स हैं. तो जब भी एक से ज़्यादा करेक्टर्स होंगे इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग. तो आप इसको बंद करोगे इनसाइड डबल कोट, स्ट्रिंग डबल कोट में आप लोगों ने बंद करने होंगे. सो एक्चुअली में हमने इसको प्रिंट करना है. ओके तो जब आपने एक लाइन लिख लेते हैं प्रोग्रामिंग में तो उसको एंड करते हैं. नॉर्मली आप लोग इंग्लिश में जैसे आप फुल स्टॉप पुट करते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप कंसिडर होगा आपका सेमी कॉलन. तो जब भी कोई लाइन लिख लें उसको आप फील करें कि ये एंड हो गई ये लाइन, तो आप पुट कर देंगे सेमी कॉलन. ओके नाउ ये प्रिंट कैसे करना है, तो हर लैंग्वेज में आपको कुछ प्रोवाइड किया जाता है लिखने के लिए. जैसे जावा स्क्रिप्ट में अगर आप बात करते हैं तो वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट. PHP में बात करते हैं तो वो होता है इको. C++ में अगर आप बात करते हैं तो वो होता है सी आउट. एंड पाइथन में यूज़ होता है प्रिंट एंड सो ऑन. जावा में जो कुछ लाइन प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं दिस थिंग, System.out.println. दिस होल थिंग इज़ यूज फॉर राइटिंग समथिंग डैट कैन बी सम स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है. आप उसको प्रिंट करना चाहें तो आप ये यूज़ करेंगे System.out.println. और जब आप ये लिख लेंगे तो फिर आपने पैरेंथेसिस भी पुट करनी होंगी एंड पे, बिकॉज प्रिंट एलन इज़ अ मैथड. सो मैथड के पैरेंथेसिस होते हैं, जैसे आप मेन फंक्शन जो है आपके पास आप देख रहे हैं इसकी भी स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस है. इसी तरह प्रिंट एलन भी एक मैथड है जिसका स्टार्ट पैरेंथेसिस है एंड एंड पैरेंथेसिस है. सो ये लाइन यूज़ होगी फॉर राइटिंग समथिंग यूजिंग जावा लैंग्वेज. इसको हम लोग फाइल सेव कर लेंगे और हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमें आउटपुट आता है या नहीं. सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और अब चेक करते हैं. सबसे पहले जावा सी ताकि कंपाइल हो जाए. ओके नो एरर एंड नाउ जावा, और आप देखेंगे कि आपको एक मैसेज आ चुका है हेलो फ्रॉम जावा. तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कंसिडर कर लें जो कि यूज़ हुआ है फॉर राइटिंग समथिंग. तो कुछ भी राइट करना है आप लोग यूज़ करेंगे System.out.println. नाउ ये तो हमने सिंपल कर लिया, तो देखेंगे कि इसके अलावा हम लोग System.out.println से क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं. अब मैं प्रिंट करता हूँ इसके, बल्कि एक नेक्स्ट लाइन पे कर लेते हैं हम लोग System.out.println एंड 1 2 3, जस्ट एक नंबर प्रिंट करना है. तो अब हम दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं इसको. ओके नो एरर. तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हमारे लिए 1 2 3 भी प्रिंट हो रहा है. इसके अलावा अगर आप कोई सिंगल करेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप यूज़ करेंगे System.out.println और सिंगल करेक्टर लाइक ए, लेट्स सपोज कैपिटल ए मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल ए लिख चुका हूँ. इसको फ़िलहाल मैं सेव करता हूँ और आपको कुछ बता देता हूँ कि इससे क्या होने वाला है.
कंपाइल करते हैं और आप नोटिस करेंगे जैसे मैंने कंपाइल किया इस बार मुझे एक एरर आ गया, कोड मेरा ये है ठीक है, और देख लें कहाँ पर एरर है, ये हमें गाइड कर रहा है कि इस जगह पर कहीं एरर है ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल एंड दिस वन, तो वो उसको कंसिडर क्या कर रहा है, ये चीज़ बना रहा है उसको वेरिएबल है। सो हुआ क्या है, बेसिकली हमारे पास एक एरर आया है और वो एरर है बिकॉज ऑफ दिस ए। नाउ ये क्यों आया है वो भी देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो कहती हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं कि ये ए जो है कोई वेरिएबल का नाम है या कोई वैल्यू है, ये क्या चीज़ है। तो अगर ये कोई जस्ट नॉर्मल ए है या बी है, कोई लेटर है, वेरिएबल नेम नहीं है, तो आप इसको सिंगल कोट में पुट कर लें ताकि वो उसको एज अ लेटर कंसिडर करें। सो अब ये ठीक है, वेरिएबल पे डिस्कशन होगी इंशाल्लाह आगे, देखेंगे क्या है वो। अभी जस्ट सिंगल कोड में मैंने पुट किया, कंपाइल करते हैं। सो दिस टाइम वी हैव नो एरर एंड रन करते हैं तो वी शुड गेट दैट ए। सो सिंपल हमने देखा कि जावा लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कोई लाइन सेंटेंस वगैरह या कोई नंबर हो गए या कोई लेटर हो गया वो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये सिस्टम क्या है, ये आउट क्या है और ये प्रिंट एलन क्या है। ये जो चीज़ें हैं इस पर पूरा एक लेक्चर लगने वाला है हमारा नेक्स्ट। ये काफ़ी डिटेल चीज़ है, इसको अक्सर कहा जाता है कि बस इसको सी आउट की तरह कंसिडर करें, ये इसी तरह यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए, बट हम लोग फुल डिटेल में जाएंगे, देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या और ये कैसे काम करती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन होगी, system.out.println। फिलहाल आप लोग जस्ट प्रैक्टिस करें कि नॉर्मल लाइन ऑफ लाइंस कैसे आप लोग प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग जावा लैंग्वेज। वी हैव स्टेटमेंट system.out.println, सिस्टम का एस कैपिटल है, आउट सारा स्मॉल है, प्रिंट एलन के साथ आपका पैरेंथेसिस आ रहा है। दिस थिंग इज अ क्लास, दिस थिंग इज अ स्टैटिक मेंबर एंड दिस थिंग इज अ मैथड। सो इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।